तो आज का जो अगला टॉपिक रहेगा अपना, जहाँ से हमने कल छोड़े थे, वो रहेगा कट इन वोल्टेज। हमने डिप्लेशन लेयर पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे आज कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज क्या होगा? जिस वोल्टेज पर डायोड धारा का प्रवाह करती है ना, जिस वोल्टेज पर डायोड अपना धारा का प्रवाह स्टार्ट कर देता है, वह कहलाता है कट इन वोल्टेज। और कट इन वोल्टेज को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या था? कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के मिलने से एक विभव उत्पन्न हुआ था, जो कि सिलिकॉन के लिए था 0.7 और जर्मेनियम के लिए था 0.3। ये क्या था उनके लिए? पोटेंशियल वोल्टेज, मतलब एक विरोधी वोल्टेज, जो बैरियर, बैरियर मतलब होता है जो विरोध करने वाला, रोकने वाला। तो वह वोल्टेज क्या था कि अगर आपको इधर से इधर तक सप्लाई ले जानी है, इधर से इधर ले जानी है, तो पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब 0.7 वोल्ट जो जनरेट हुआ था सिलिकॉन में, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ही धारा में क्या, धारा का क्या होगा, प्रभाव होगा, या धारा उधर जाके बहेगी। तो कट इन वोल्टेज क्या कहलाता है? जिस वोल्टेज पे डायोड धारा का प्रवाह स्टार्ट कर देता है, पहले क्या करेगा, जब आप सप्लाई देंगे फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में का मतलब होता है सप्लाई देना। दो प्रक्रिया होती है सप्लाई देने की, उसको आगे समझेंगे। तो जब सप्लाई देंगे डायोड में, जैसे डायोड हो गया अपना, तो इधर से देंगे सप्लाई, की इधर से देंगे प्लस और माइनस, तो सबसे पहले 0.7 वोल्ट को ख़त्म करने का काम करेगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ के जो बहेगी वो आपके डायोड वोल्टेज हो जाएगा। तो सिलिकॉन के लिए ये कितनी होगी? 0.7 होगा, जितना जनरेट करेगा उतना ख़त्म भी करेगा। और जर्मेनियम के लिए कितना होगा? 0.3। तो कट इन वोल्टेज कहलाएगा, मतलब कि जो पोटेंशियल बैरियर बना था उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो ख़त्म करने वाली वोल्टेज क्या कहलाती है? कट इन वोल्टेज, ठीक है। या भी बोल देंगे, जिस वोल्टेज पर डायोड क्या करती है, धारा का प्रवाह स्टार्ट कर देती है, उसे क्या बोलेंगे? कट इन वोल्टेज। अब अगला है पर प्लेट एसी वोल्टेज। अगला है पर प्लेट एसी वोल्टेज। तो फॉरवर्ड में दी जाने वाली वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर डायोड सुरक्षित रहे या सुरक्षा रूप से कार्य कर सके। फॉरवर्ड में दी जाने वाली वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर डायोड आसानी से बिना टूटे बिना खराब हुए काम कर सके, वह वोल्टेज क्या कहलाएगा? आपका पर प्लेट एसी वोल्टेज कहलाएगा, है ना। वो भी किस बायस में? फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग समझेंगे क्या होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर डायोड काम कर सकेगा, वो क्या कहलाएगा? पर प्लेट एसी वोल्टेज कहलाएगा। फिर अगला रहेगा अपना ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा? कि रिवर्स में वह वोल्टेज जो डायोड में धारा का प्रवाह कराता है। एक रिवर्स बायसिंग होगी, है ना। तो जैसे ही रिवर्स बायसिंग में सप्लाई को जोड़ा जाएगा, तो वह वोल्टेज जो डायोड में धारा का प्रवाह स्टार्ट करा देती है, वह क्या कहलाती है? आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा? कि अपना डायोड एक डीसी काम करता है ना, मतलब खाली फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। तो रिवर्स बायसिंग में क्या करता है? ब्रेक डाउन करते, अधिक वोल्टेज दे देते हैं, तो क्या होता है? डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है और धारा का प्रवाह हो जाता है। तो जो वोल्टेज देते हैं ना, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। और ये किस बायसिंग में होगा? तो रिवर्स बायसिंग में होगा, ठीक है। अब ब्रेक डाउन दो प्रकार का होगा, एक जीनर ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, दूसरा होगा एवलांस ब्रेक डाउन वोल्टेज। एवलांस ब्रेक डाउन वोल्टेज में क्या होगा? अगर डोपिंग कम होगी और ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब डोपिंग कम होगी ना, तो उसमें क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल बैरियर बनेगा वो ज़्यादा ताकतवर होता है।
इसलिए वोल्टेज भी क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और जब आप डोपिंग ज़्यादा कर देते हैं, अशुद्धि ज़्यादा मिला देते हैं, तो वोल्टेज क्या हो जाता है अपना, कम देना पड़ता है। ठीक है, तो जीनर डायोड में सॉरी जीनर ब्रेकडाउन में क्या होगा, डोपिंग ज़्यादा होगी वोल्टेज कम, इसमें क्या होगी डोपिंग कम, इसमें वोल्टेज ज़्यादा। अब अगला है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या कहलाएगा कि रिवर्स बायस में, RW मतलब रिवर्स बायस में डायोड को मैक्सिमम वोल्टेज सहन करता है, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि रिवर्स बायसिंग में डायोड है ना, और उसको हम सप्लाई बढ़ाए जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वह एक वोल्टेज जब तक डायोड काम करेगा, है ना। जैसे अपना क्या था, पर प्लेट एसी वोल्टेज था, सेम उसी प्रकार में है पीक इनवर्स वोल्टेज, लेकिन वो फॉरवर्ड बायस में था, ये रिवर्स बायस में। बस अंतर इतना ही है कि रिवर्स बायसिंग में वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर डायोड क्या करे, सुरक्षित रूप से कार्य कर सके, वह कहलाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज, जो कि सिलिकॉन के लिए रहेगा 1000 वोल्ट और डायोड जर्मेनियम के लिए रहेगा अपना 400 वोल्ट। ठीक है, तो PIV का पूरा नाम होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स बायसिंग में वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर डायोड सुरक्षित रूप से कार्य कर सके। ठीक है, जो अपना अगला टॉपिक रहेगा फिर वो अपना रहेगा बायसिंग। बायसिंग हमने कई बार सुने हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, ये कल हम जानेंगे। तो पीछे का भी जो हमारा डाउट है वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे।